नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त करने के लिए प्रपत्र को कैसे भरेंगे, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। और आप लोग इस वीडियो से लगातार जुड़े रहेंगे और पूरा बिना स्किप किए हुए देखेंगे। यह प्रपत्र को का आवेदन है आप लोगों के समक्ष। मैंने पटना उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट से सूचना मांगने के लिए यह प्रपत्र को भरा हूँ। इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लें। जैसे लोक सूचना पदाधिकारी है तो उसे लिख देंगे पटना उच्च न्यायालय पटना, या किसी भी राज्य के जो किसी भी तरह के सूचना चाहते हैं तो वो अपना हाई कोर्ट से और अपने राज्य का नाम दे देंगे, अपना नाम लिखेंगे, केयर ऑफ अपना पूरा एड्रेस देंगे। और जो संबंधित सूचना हम लोगों को पटना हाई कोर्ट से अपने केस से संबंधित या किसी भी तरह की सूचना चाहते हैं तो उसका जो अपनी सूचना का यहाँ वर्णन करेंगे, किस प्रकार की आपको सूचना चाहिए। और उसी प्रकार इसमें भी 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर फी के रूप में, शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। इसे इस प्रकार भर देंगे, उसके बाद अपना पूरा पता यहाँ लिख देंगे, हस्ताक्षर करके अपना पूरा एड्रेस दे देंगे। मैं यह प्रपत्र को पटना हाई कोर्ट में लगाया था। इसी प्रकार हम लोग PIO को कैसे पोस्टल ऑर्डर भरेंगे उसको भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इसी तरह लिख देंगे, लोक सूचना पदाधिकारी संबंधित हाईकोर्ट का नाम, अपना पूरा पता लिखेंगे। उसी तरह यहाँ PIO का नाम, जिस संबंधित हाईकोर्ट का है उसका नाम दे देंगे, उसके बाद क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करके अपना लगा देंगे। और आप इस पते कैसे भेजेंगे आप लोग देखें, 2 करके लिखेंगे, लोक सूचना पदाधिकारी PIO, केयर ऑफ कर देंगे माननीय मुख्य न्यायाधीश, अब संबंधित हाई कोर्ट का नाम लिख देंगे, उनका पूरा पिन कोड एड्रेस सहित लिख देंगे और इधर अपना पता लिख देंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी हाई कोर्ट में किस प्रकार आवेदन लगाएंगे यह जान चुके होंगे और अच्छी तरह समझ गए होंगे। उपयोगी लगे तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे और अपना चैनल, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो RTI से संबंधित या किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार के विरोध में कैसे हम लोग आवेदन कर सकते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। जय हिंद।